تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، عیب جوئی سے بچو اور کسی کی خفیہ باتیں نہ سنو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے اوپر برتری نہ جتاؤ اور حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھو اور پیٹھ پیچھے کسی کی نکتہ چینی نہ کرو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کا پہلا حصہ کل گزر چکا تھا اور دوسرا حصہ ولا تحاسدوا سے جو ہے ہم نے عرض کرنا تھا۔ پچھلے حصے کا کچھ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جتنی بھی باتیں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اصلاح کے لیے بیان فرمائیں، یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں امن و استحکام اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بیان کی گئیں۔ بہر صورت ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ان تمام باتوں سے پرہیز اور ان تمام باتوں سے اجتناب ضروری ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر فساد اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اس لیے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک ایمان کا رشتہ ہے، اس ایمان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس ایمان کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کے اوپر برتری نہ جتاؤ۔ برتری مطلب یہ ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کو دوسروں کے اوپر نہ جتاؤ کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں۔ آگے فرمایا ولا تحاسدوا، جو آج کا ہمارا سبق بھی ہے، ولا تحاسدوا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟
दरअसल हसद एक कल्बी बुराई, रूहानी बीमारी की एक अंसर का नाम है कि जो इंसान के अंदर पैदा होता है कि किसी की कोई भी अच्छी खूबी देखकर दिल में कुढ़ना, खामखा कुढ़ना कि वो चीज़, वो खूबी मेरे अंदर पैदा हो ना हो, कम से कम उससे छिन जाए, उसके पास न रहे, ये हसद कहलाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा यअकुलुन नारुल हतबा, कि हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया कि हसद पूरे दीन को मूंड कर रख देता है, लिहाजा हसद से बचो। तो फरमाया वला तहासदु, आपस में एक दूसरे से हसद न करो। एक हसद होता है, दूसरा गिबता कहा जाता है। गिबता ये है कि किसी खूबी को देखकर, किसी की कोई अच्छी चीज़ देखकर दिल में ये बात पैदा हो कि ये जो नेमत अल्लाह ने इसको अता की है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी नेमत अता कर दे, लेकिन उसके पास भी बरकरार रहे, अल्लाह उसको भी मुबारक करे, मुझे भी अता कर दे, ये गिबता है। और गिबता उलमा ने फरमाया कि जायज़ है, हसद हराम है। और हसद जो है ये गोया कि अल्लाह के साथ एक एहतजाज है कि उसको अल्लाह ने ये खूबी क्यों अता की। ये बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए। और आगे फरमाया वला तदाबरो, वला तबागज़ो, कि एक दूसरों से दुश्मनी करने से परहेज़ करो, आपस में दुश्मनियाँ ना करो। यानी हर सूरत में मुसलमान आपस में मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें, दरमियान में जो उनका एक ईमानी रिश्ता है उस ईमानी रिश्ते को कमज़ोर ना होने दें, मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात और पीर के दिन हर मुसलमान के आमाल पेश किए जाते हैं, और हर बंदा मोमिन की मगफरत फरमा दी जाती है, लेकिन वो बंदा कि जो दुश्मनी रखता हो उसके आमाल नामे को मुलतवी कर दिया जाता है, इस बात पर कि जब तक वो दुश्मनी ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक उसके आमाल नामा मुलतवी रहेगा। तो इसलिए फरमाया वला तबागज़ु, कि आपस में दुश्मनी और अदावत बुग़्ज़ पैदा ना हो, और ये बुरी बीमारी है, इससे परहेज़ फरमाओ। और आखिरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वला तदाबरो, के पीठ पीछे किसी की नुक्ताचीनी ना करो,
वला तदाबरु, ये गीबत के हम माना है कि कोई ऐसी बुराई कि जिस बंदे मोमिन के अंदर पाई जाए, तुम उस बुराई को लेकर उस पर नुक्ता चीनी करो या उसकी ऐब जुई करो, तो फरमाया इसकी भी इजाज़त नहीं है। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन कर रहो। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मोमिन आपस के अंदर भाई भाई हैं। एक रिश्ता खूनी और नस्बी होता है, वो सारे के सारे रिश्ते दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। जब दुनिया ख़त्म होगी, दुनिया के अंदर इंसान अपना वक्त पूरा करेगा, तो वो सारे रिश्ते दुनिया में रह जाएंगे। और दूसरा रिश्ता ईमानी रिश्ता होता है, और ये ईमानी रिश्ता आखरत के अंदर भी कायम रहेगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ईमानी रिश्ते की जो क़दर है वो जानो, और ये इसका ताल्लुक चूँकि दुनिया और आखरत दोनों के साथ है, इसलिए इसको निभाओ और आपस में मुसलमान भाई भाई बनकर रहो, ताकि मुआशरे के अंदर भी फसाद बढ़पा ना हो, बिगाड़ पैदा ना हो, दुश्मनी और अदावत की सूरत पैदा ना हो, मोहब्बत और उल्फत के साथ रहो। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर ऐसे काम से, उन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए जो इस रिश्ते के अंदर कमज़ोरी पैदा करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।